हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको शिनचैन की मूवी द एडल्ट एम्पायर स्ट्राइक्स बैक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक टाइम ट्रैवल थ्रिलर है और ये हमारी रियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी भी शो करती है, इसलिए ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो शायद आपको भी ये मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1970 का वर्ल्ड फेयर दिखाया जाता है। उसके बाद नोहारा फैमिली से हमें मिस्सी, शिनचैन और हिमावारी को दिखाया जाता है। मिसाई बोलती है कि यह वर्ल्ड फेयर 1970 में शुरू हुआ था और इधर पे दुनिया भर की चीजें प्रिजर्व करी गई है। यहाँ तक कि 1970 में इधर फॉरेनर्स का आना भी बहुत ज्यादा रेयर था, इसलिए अभी लोग आकर इधर फॉरेनर से ऑटोग्राफ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दो फॉरेनर लेडी आपस में बात करते हुए शिनचैन की तरफ चलकर आ रहे होते हैं। तो शिनचैन काफी खुश होकर उनसे जाके पूछने लगता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। एम्बैरेसमेंट के चलते मिस्सी को शिनचैन को लेके उधर से भागना पड़ता है और वो दोनों फॉरेनर्स काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने वर्ल्ड फेयर पर हमला कर दिया है, जिसके चलते नोहारा फैमिली को वर्ल्ड फेयर डिफेंस फोर्स में कन्वर्ट होना पड़ता है और हिरोशी की भी एंट्री होती है एक फाइटर जेट से। अपने फाइटर जेट की मदद से हिरोशी उस मॉन्स्टर पे ढेर सारा अटैक कर देता है, मगर उस अटैक का कुछ ज्यादा असर होता नहीं और वो मॉन्स्टर वर्ल्ड फेयर में आग उबलने लगता है। गुस्से में आकर हिरोशी कहता है ट्रांसफॉर्म और वो एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। हिरोशी को ये सब करता देख मिसाई के अलावा कोई और इंटरेस्टेड भी नहीं था। शिनचैन नहीं चाहता था कि हिरोशी उस मॉन्स्टर को मारने का सारा मजा अपने आप ही ले, इसलिए वो भी उसके अंदर आ जाता है। मगर फिर हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक शूट है और दोबारा से वो शूट को वो कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर देते हैं, जिधर हिरोशी उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। फिर हिरोशी टावर ऑफ सन से एक सोलर बीम को अब्सॉर्ब करता है और उसी से वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे वो शूट एंड हो जाता है। शूट के बाद हिरोशी काफी एक्साइटेड और खुश फील कर रहा होता है और अपना एक छोटा सा मॉडल को लेकर वो घूमने लगता है। वही दूसरी तरफ मिस्सी भी अपना शूट फिनिश कर रही होती है, जिधर पर वो मैजिकल गर्ल मिसाई बनी हुई होती है। इसी बीच उन्हें शिनचैन और हिमावारी को किड जोन में दे आना पड़ता है, क्योंकि शिनचैन और हिमावारी का सारा रोल मूवी से खत्म हो गया है। उधर शिनचैन को कासुका पे डिफेंस ग्रुप पूरा मिल जाता है, जिससे वो बातें करने लगता है। कजामा बताने लगता है कि उनके पेरेंट्स अभी 20th सेंचुरी के म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिधर पे उन्हें अपने बचपन के सामान और खिलौने देखने को मिलते हैं और उनके स्कूल के टीचर्स भी अभी कॉस्प्ले करने में बिजी है। यही नहीं बल्कि उस म्यूजियम में वो अपने बचपन में खेले गए गेम्स को भी खेल सकते हैं, साथ साथ वो 20th सेंचुरी के खाने का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि शिनचैन और हिमावारी मिसाई और हिरोशी पे गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनके बिना ही शॉपिंग कर लिया, मगर हिरोशी और मिसाई तो अपने बचपन की यादों में ही खोए हुए होते हैं। घर जाकर हिरोशी अपना रिकॉर्ड किया गया डीवीडी को देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शिनचैन को एक्शन कामेन का डीवीडी भी नहीं देखने दे रहा होता। उसके बाद रात के अंधेरे में हमें 20th सेंचुरी का म्यूजियम दिखाया जाता है, जिधर पे बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। फिर हमें एक न्यूली मैरिड कपल केन और चाको दिखाए जाते हैं और केन चाको से बोलता है जल्दी ही ये दुनिया समय में वापस जाने वाली है। फिर वो लोग चलते चलते एक सिटी में आ जाते हैं, जिधर रात होने के बावजूद भी दोपहर का टाइम हो रहा है। केन बोलता है कि सारी क्रुएल्टी इस दुनिया से जल्दी ही खत्म हो जाने वाली है। फिर नोहारा फैमिली के टीवी में एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि समय को पीछे जाना पड़ेगा और अतीत को वापस आना पड़ेगा। इसी के साथ हिरोशी और मिस्सी बोलते हैं कि उनको अभी सोने जाना है, जबकि सिर्फ 8 ही बज रहे होते हैं। शिनचैन काफी परेशान होकर पूछता है ऐसा करने पर हम डिनर कब करेंगे। तब मिस्सी शिनचैन को एक स्प्रिंग अनियन पकड़ा देती है और उधर से चली जाती है। उन दोनों को सोता देख शिनचैन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिर्फ रात के 8 बजे पूरी कासुका पे सिटी सोने चली जाती है। सुबह उठकर मिसाई और हिरोशी भर पेट स्नैक्स खाने लगते हैं और जब शिनचैन पूछता है कि आखिर ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, तब मिसाई रिप्लाई देती है कि अगर तुम्हें खाने का मन है तो तुम खुद ही बना लो। फिर हिरोशी शिनचैन का पूरा चोकोबी का पैकेट अपने आप ही खा जाता है। इस बुरी हालत को देखकर शिनचैन को ही हिमावारी का ध्यान रखना पड़ता है और स्नैक्स खाने के बाद जब उसके पेरेंट्स सो जाते हैं शिनचैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर हिरोशी बोल देता है कि मैं नहीं जानता तुम किसके बच्चे हो, इसलिए मेरे से दूर रहो। हम देखते हैं कि शिनचैन स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर बस का वेट कर रहा होता है, मगर बस नहीं आने पर जब शिनचैन वापस जाने
जाने लगता है तभी रोशी और मिस्सी उसको अंदर घुसने नहीं देते। इसलिए शिनचान अपना साइकिल का इस्तेमाल करके खुद ही स्कूल चले जाता है। स्कूल पहुँच कर वो देखता है कि सारे टीचर्स अपने आप में ही खेल रहे हैं और जब शिनचान उनके पास जाता है तब वो गुस्से से शिनचान को ही भगा देते हैं। अगले सीन में शिनचान देखता है कि लाइन से बहुत सारे 20th सेंचुरी के व्हीकल्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और शहर के सारे एडल्ट्स बहुत ही खुशी खुशी उस सारे व्हीकल्स पर चढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि हिरोशी और मिस्सी भी उसी व्हीकल पर चढ़े हुए होते हैं। शिनचान उनका पीछा करने का कोशिश तो करता है मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रह जाती है। अगले सीन में कासुका भी डिफेंस ग्रुप शिनचान के घर पर इकट्ठा होकर डिस्कशन कर रहे होते हैं जिधर मसाओ बोलने लगता है कि हमारे पेरेंट्स को अब हमारी और जरूरत नहीं है मगर शिनचान इन सब बातों को ना सुनते हुए टीवी देखने लग जाता है। तभी टीवी में एक रिपोर्ट दिखाने लगते हैं जिसके अकॉर्डिंग कासुकाबे सिटी के सारे एडल्ट्स एक ही दिन में गायब हो गए हैं और इसके बाद वो एक पुराना 1970 का शो को टेलीकास्ट करने लगते हैं। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप को काफी ज्यादा भूख लगती है इसलिए वो खाने की तलाश में निकल जाते हैं मगर सबसे नियर बाई कन्वीनियंट स्टोर में एक ग्रुप ऑफ पुलिस उन लोगों को अंदर घुसने से इनकार कर देते हैं। इसलिए वो प्लान बनाते हैं और अपने ऊपर एक बकेट को देकर उस कन्वीनियंट स्टोर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अपने लालच को ना रोक पाते हुए शिनचान बो के ऊपर चढ़ के चोकोबी के पैकेट्स उठाने लगता है मगर कजामा काफी गुस्सा हो जाता है और शिनचान को डिसबैलेंस करके गिरा देता है। शोर के चलते उन सारे बच्चों को पता चल जाता है कि कन्वीनियंट स्टोर के अंदर कोई तो है और गलती से शिनचान खुद को रिवील कर देता है। इसके चलते कासुकाबे डिफेंस ग्रुप को उधर से भागना पड़ता है जिसके कारण काफी सारा खाना पीछे ही गिर जाता है और अंत में वो अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा ही खाना ले आ पाते हैं। तब शिनचान काफी गुस्सा हो जाता है और सारे खाने का पीछे छूट जाने का ब्लेम कजामा पर देता है। उसके बाद वो हड़बड़ाहट में एक बार के अंदर घुस जाता है और शिनचान के पीछे पीछे पूरे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप भी उस बार के अंदर चले आते हैं और सारे एडल्ट्स की कमी के कारण वो लोग खुद ही एडल्ट्स जैसा बिहेव करने लगते हैं। तभी शिनचान नानी से कहता है कि तुम उस बारटेंडर की जगह नहीं ले सकती जिसके जवाब में नानी कहती है क्यों क्या तुम जेलस हो रहे हो। उधर दूसरी तरफ बाकी सब सोबर हो रहे होते हैं मगर कजामा सभी को कन्विंस करके उस बार्स के बाहर लेके ही आता है ताकि वो अपने मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इसी के साथ साथ सारे एडल्ट्स की कमी के कारण कासुकाबे की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और हमें पता पड़ता है कि 20th सेंचुरी म्यूजियम के गार्ड्स कासुकाबे के सारे बच्चों को किडनैप करने के लिए आ रहे हैं और वो गार्ड्स एक एक करके सारे बच्चों को पकड़ भी लेते हैं। अपने पेरेंट्स से मिलने की इच्छा में मसाओ भी उनके साथ जाने की कोशिश करता है मगर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप सही समय पे उसे रोक लेते हैं। फिर रात बिताने के लिए और उन गार्ड से छुपने के लिए कासुकाबे डिफेंस ग्रुप एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चले आते हैं। दूसरी तरफ हम केन और चाको को देखते हैं जिधर पे केन बोलता है कि कुछ बच्चे अभी भी मिसिंग हैं और हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उन्हें जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा। तब हिरोशी बोलता है कि हमें उन्हें पकड़ने पर क्या इनाम मिलेगा। तब केन हिरोशी को 1970 का एक पुराना सा बैच दिखाता है जो देखकर हिरोशी तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अगले सुबह वो सारे गार्ड्स रेडी होकर कासुकाबे के बच्चों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासुकाबे डिफेंस ग्रुप अभी भी उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सो रहे होते हैं और उठने पर बाइनोकॉलर्स के इस्तेमाल से उनको पता चलता है कि वो गार्ड्स बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी किडनैप करना शुरू कर दिए हैं। तभी कुछ गार्ड्स उस डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बेड अभी भी गर्म है जिसका मतलब उधर पे थोड़ी देर पहले ही कोई सोया था। कासुकाबे डिफेंस ग्रुप एक छोटे से टॉय हाउस के अंदर छुपे हुए होते हैं और काफी घुटन होने के कारण उन सभी को बाहर आना पड़ता है। तभी हिरोशी शिनचान और उसके दोस्तों को स्पॉट कर लेता है और उन सभी पर चिल्लाने लगता है। चतुराई से कासुकाबे डिफेंस ग्रुप हिरोशी को उसी टॉय हाउस के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। इस बार मिस्सी भी उनको ढूंढ निकालती है और वो बड़े प्यार से बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं करके मेरे पास आ जाओ। तभी हिमावारी जाकर मिस्सी के पैर से जाके चिपक जाती है जिस कारण से मिस्सी काफी डिसबैलेंस हो जाती है। उसी बीच शिनचान भी हिमावारी को अपनी तरफ खींच लेता है जिस कारण से मिस्सी पीछे जाके गिरती है। इस मौके का फायदा उठाकर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप उधर से भाग निकलती है। फिर वो सभी प्रिंसिपल सर के बस के नीचे छुप जाते हैं जो कि बहुत ही अनसेफ प्लेस होता है, इसलिए किसी का ध्यान अपनी तरफ ना खींचते हुए वो सब कोई छुप के बस के अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सारे गार्ड्स उन बच्चों को ढूंढने में बिजी रहते हैं। तब शिनचान बोलता है कि इधर से भागने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम में से किसी को इस बस को चलाना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि वो इस बस को चला सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल सर को हमेशा बस चलाते हुए काफी ध्यान से देखा है। मगर छोटे होने के कारण बो के हाथ
स्टीयरिंग तक पहुंचते ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो बस चलने लगता है और अपने सामने वाले कार्स को उड़ा के आगे बढ़ने लगता है, और उस बस को चलाने के लिए पूरी नोहारा फैमिली एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही होती है। और फिर वो बस केन की गाड़ी की तरफ भी आगे बढ़ने लगता है, और सिर्फ कुछ इंचेस के कारण वो बस केन के कार से जाके टकराता नहीं है। केन अपने गार्ड से बोलता है कि दे हैव इंजर्ड माय सोल, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सब जाके उन्हें को अभी के अभी पकड़ के लाओ। तभी बीच रास्ते में शिनचैन बोचान से बोलता है कि तुम अकेले ही कार चलाने का मजा नहीं ले सकते। फिर बो कहता है फेयर एनाफ, तो हम सब कोई टर्न के हिसाब से गाड़ी को चलाएंगे। सबसे पहले मसाओ की बारी आती है कार चलाने की, मगर मसाओ बस को इतना धीरे चला रहा होता है कि म्यूजियम के सारे गार्ड्स उनके पीछे आ जाते हैं, और यही नहीं बल्कि वो नंचाकू से मसाओ के ऊपर हमला भी करने का कोशिश करते हैं। फिर मसाओ एक्सीडेंटली उस बस के जरिए एक कार को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, और वह ये सेम काम दूसरे कार के साथ भी करता है, जिसके चलते मसाओ के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर आता है, और मसाओ बस को पानी के अंदर से लेके आकर पानी से बाहर भी ले आ जाता है। फिर बस चलाने की बारी कजामा की आती है, जो सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके बस को 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाता है। इसके चलते म्यूजियम के सारे गार्ड्स दोबारा से उनको कैचअप कर लेते हैं। फिर नैनी बोल देती है कजामा को कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, जो सुनकर कजामा बहुत पैनिक करने लगता है और ड्राइविंग स्टीयरिंग को छोड़ देता है। हमारी अगली ड्राइवर नैनी बनती है, जो कि ड्राइव करने की जगह खेलने में बिजी होती है, इसलिए ड्राइविंग का काम शिनचैन को ही लेना पड़ता है, और वो बड़े जोश के साथ बस को 100 किलोमीटर पर आवर पे चलाने लगता है। खराब किस्मत होने के कारण हिरोशी शिनचैन के बस के पास पास आ ही जाता है। हिरोशी को ऐसा ब्रिज इस्तेमाल करके प्रिंसिपल सर अपने बस के ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर उनके साथ एक बहुत ही अजीब तरीके का खराब एक्सीडेंट हो जाता है। साथ साथ शिनचैन हिरोशी से भी अपना पीछा छुड़ा ही लेता है। उसके बाद मैजिकल गर्ल मिसाई भी उस बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करती है, मगर शिनचैन अपने ट्रिक्स को यूज करके मिसाई को भी पीछे छोड़ देती है, और इसके आगे कुछ हो पाता कि शिनचैन का बस जाके केन और चाकू के कार से टकराता है। आखिर क्या हो गया है सारे एडल्ट्स को, और केन और चाकू की रियलिटी क्या है, और क्या कासुकाबे के बच्चे अपनी पेरेंट्स से मिल पाएंगे? अगर आपको ये सब जानना है तो आपको इसके पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट्स पार्ट 2 के लिए कंप्लीट करवा देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।